Hello everyone, welcome back to Medical Mantra's official YouTube channel. This is Om. At the outset, let me tell you guys, NTA कब रिजल्ट डिक्लेयर करेगा इसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, अपने पास में कोई जानकारी नहीं है. YouTube पे भर भर के वीडियोस हैं, सोशल मीडिया में बातें चल रही हैं कि रिजल्ट कब आएगा. ऑन ए डेली बेसिस वी आर गेटिंग ऑलमोस्ट हंड्रेड्स ऑफ कॉल्स, टेक्स्ट मैसेजेस, व्हाट्सएप मैसेजेस आस्किंग कि सर नीट रिजल्ट कब आएगा. अनफॉर्चुनेटली वी हैव नो आंसर, वी हैव नो अपडेट एज सच. अब तो लगने लगा है कि शायद NTA को भी ये पता नहीं है, NTA के पास भी ये जानकारी नहीं है कि नीट रिजल्ट कब आएगा. कल परसों बात कही जा रही थी कि रिजल्ट शायद आज आ जाए, कल आ जाए. इट्स बीन 10 days, यू नो आई मीन, सिंस एवरी वन हैज़ बीन टॉकिंग कि रिजल्ट आज आ रहा है, कल आ रहा है, परसों आ रहा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. पहले बॉम्बे हाई कोर्ट स्टे लगाता है रिजल्ट डिक्लेयर करने पर. बॉम्बे हाई कोर्ट के अगेंस्ट में 22nd को NTA सुप्रीम कोर्ट जाती है, जिसमें कि वो लोग बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करते हैं, और फाइनली उस पर 27th को, इफ आई एम करेक्ट, 27th को सुप्रीम कोर्ट उस पर अपना वर्डिक्ट भी दे देता है. दे गिव द गो अहेड ग्रीन सिग्नल कि आप रिजल्ट डिक्लेयर कर सकते हैं. 27th को केरला हाई कोर्ट का एक इशू आता है, जिसमें कि OMR सीट पे जो गड़बड़ी हुई है एक कैंडिडेट के साथ में, उसको ये लोग इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहते हैं. और फाइनली कल EP पुलिस ने जो पेपर लीक और चीटिंग स्कैम है उसको लेकर 25 कैंडिडेट्स के रिजल्ट को विदहोल्ड करने के लिए उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट भेज दी है NTA को. तो ये चल क्या रहा है, रिजल्ट क्यों रुका पड़ा है, सबके अपने अपने लॉजिक हैं, अपने अपने रीज़न हैं, अपने अपने लोग कयास लगा रहे हैं. बट हकीकत ये है कि किसी को भी एक्चुअल तरीके से, सही तरीके से पता नहीं है कि रिजल्ट क्यों रुका पड़ा है. अब तो शायद ऐसा लगने लगा है कि कहीं ना कहीं NTA की जो एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी है, जो हमें एग्ज़ाम को कंडक्ट करने की और रिज़ल्ट डिक्लेयर करने की, कई लोग तो इस पर भी जो एक डाउट करने लगे हैं. एक जो गैप है, आई मीन इन टर्म्स ऑफ जो NTA एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने की जो उनकी कैपेबिलिटी है रिज़ल्ट डिक्लेयर करने की, और बाकी सारी चीज़ों को मैनेज करने की जो उनकी कैपेबिलिटी है, इस पर कहीं ना कहीं शॉर्ट कमिंग है, एक सीरियस गैप है. तो ये तो है, बट ऑन अ सीरियस नोट, इफ़ यू लुक बैक, लगता है कि इट्स नॉट एज सिंपल जो लग रहा है हमें कि भाई रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, UP पुलिस वाली स्टोरी और केरला हाईकोर्ट और वॉट एवर. मुझे तो लग रहा है कि देर इज़ समथिंग सीरियस विच इज़ कुकिंग अप, यू नो आई मीन, बिहाइंड द सीन कुछ बड़ा प्रॉब्लम है, कुछ बड़ी 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 प्रॉब्लम है, बड़ा इशू है, जिस कारण से रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो रहा है. प्रॉब्लम क्या है किसी को नहीं पता है. इनफैक्ट कल जब से UP पुलिस का जो एक्शन था, जिसमें कि उन्होंने 25 बच्चों के रिजल्ट को रोकने की बात कही है, रिपोर्ट भेजी है NTA को, उसके बाद तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं मे बी यू नो कि जो ये चीटिंग हुई है, जो पेपर लीक वाली जो बात है, ये शायद काफ़ी बड़े पैमाने पे ब्लो आउट हुआ है, बड़े लेवल पे इस चीज़ की शायद, आई मीन, हो सकता है बिहाइंड द सीन जानकारी मिली है NTA ऑफिशियल्स को, और जो पुलिस एंड जो आई मीन जो लॉ आई मीन जो अथॉरिटीज़ हैं उनको मिली है. ऐसे में यू नेवर नो, आई मीन देर आर फ्यू पीपल एक्चुअली हु आर टॉकिंग अबाउट कि एट दिस स्टेज इज़ देर एनी पॉसिबिलिटी व्हेन नीट UG 2021 कैन बी कैंसल्ड, इसकी भी बात चल रही है, कुछ लोगों का ये भी थ्योरी है. वेल माई ओपिनियन इज़ एट दिस स्टेज दिस लुक्स एक्सट्रीमली अनलाइकली, पॉसिबल नहीं है अभी स्टेज पे कैंसिल हो जाना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि कैंसिल नहीं की जाएगी. तो देर इज़ नो रीजन एज टू वाई दे विल डू इट, बट कैन इट बी रूल्ड आउट? आंसर इज नो. सो वॉट एग्जैक्टली इज़ द सिचुएशन, वट इज़ गोइंग टू हैपन, वेन विल द रिजल्ट बी आउट, ये कह पाना मुश्किल है. वॉट वी कैन डू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज़ वेट एंड वॉच. इसी बीच में कुछ सैड अफेयर्स हो रहे हैं, जिसमें कि तमिलनाडु में एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया, विच इज़ रियली सैड, यू नो, वंस यू अवॉइड ऑल दीज थिंग्स, यू नो, दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ. सो लेट्स वेट एंड वॉच गाइज, हैव पेशेंस, हैव यू नो कॉन्फिडेंस, रिजल्ट विल बी आउट सूनर और लेटर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी इन टच, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड आवर चैनल, काइंडली सब्सक्राइब इट, विल ब्रिंग यू ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स अबाउट यू नो MBBS admissions, NEET result and everything else related to it. Thank you so much.